सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में पट धातु रूप के पांचों लकार पढ़ेंगे और साथ ही साथ संख्या, संख्या का अर्थ है गिनती, काउंटिंग, उसे 51 से 500 तक जानेंगे कि इनको 51 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 52 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऐसे संख्याओं को 100 तक हम जानेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं कक्षा 8, 8वीं कक्षा। पट का अर्थ क्या है? पढ़ना, पढ़ना धातु है और उसके साथ साथ ही पांचों रूप, पढ़ना जो धातु है उसके पांच जो रूप है, पांच जो लकार हैं वो पढ़ेंगे। पांच लकारों को मैं समझाऊंगा यहाँ पर कि पांच लकार कौन कौन से हैं और साथ ही साथ संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे। संख्यावाचक शब्द अर्थात वही 51 से 100 तक की संख्याएं जानेंगे, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। और जो ये संख्याएं हैं आपके पेज नंबर, आपकी पुस्तक के पेज नंबर 131 से 132 पर है। बच्चों, धातु रूप पढ़ने से पहले कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर वचन आपने हिंदी में देखा होगा, दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचनम, लेकिन संस्कृत में अपने पास तीन वचन होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। है कि अगर कर्ता एक है तो एक वचन का ही, एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होगा, अगर कर्ता दो है तो द्विवचन क्रिया का प्रयोग होगा, और दो से अधिक कर्ता है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। और यहाँ पर पुरुष तीन प्रकार के हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, और स, वह, वे दोनों, वे सब, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में आएंगे वो। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब आते हैं। तो जैसे यहाँ पठति लिखा हुआ है तो स पठति, वह पढ़ता है, वह बालक है। रामः पठति, राम पढ़ता है। दो बालक हैं, बालको पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बहुत सारे बालक हैं, सभी बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो, त्वं पठसि। अब यहाँ द्विवचन है, तुम दोनों, तो प्रथम पुरुष के लिए त्वं, युवाम, द्विवचन के लिए युवाम पठतः, और बहुवचन के लिए तुम सब पढ़ते हो, तो त्वं, युवाम, यूयम, यूयम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। इस प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम का प्रयोग होगा। धातु रूप, धातु रूप यहाँ लट लकार लिखा हुआ है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में लट लकार, वर्तमान काल में रूप कैसे चलते हैं, कैसे इनकी धातु रूप चलती है, तो एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, पटति, पटतः, पटन्ति। बोलिए, पटति, पटतः, पटन्ति, पटसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। एक बार फिर से बोलिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। जब आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप जल्दी बोल पाएंगे, जैसे पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाओ, पठामः। इस प्रकार से वर्तमान धातु, वर्तमान रूप चलेंगे। उसी प्रकार लोट लकार, लोट लकार अनुज्ञा व आदेश के लिए आता है। जब गुरु या शिक्षक आपको आदेश देता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ो, आप दोनों लिखो, आप सब जाओ, आप सब चलो, तो उसमें आज्ञा और अनुज्ञा में, आदेश और अनुज्ञा में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी पूर्व की जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको याद क्या रखना है, यहाँ याद रखना है आपको कि विसर्ग कहाँ लग रहा है। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं बच्चे, कि विसर्ग कहीं और लगा देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ तो एल शेप में विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर एल शेप में विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन लोट लकार में विसर्ग नहीं होता है। तो एक बार फिर पढ़ेंगे, पटतु, पटताम, पटन्तु, पटतु, पटताम, पटन्तु, पट, पटतम, पटत,
पटानी पटावह पटाम। एक बार फिर से बोलिए, पटतु पटताम पटंतु पट पटतम पटत पटानी पटाव पटाम पटतु पटताम पटंतु पट पटतम पटत पटानी पटाव पटाम। इस प्रकार से लोट लकार याद करेंगे। आगे अब देखो बच्चों, यहां पर तीसरा आया है आपके लंग लकार। अब लंग लकार होता है भूतकाल, जो कार्य हो चुका है उसके, आपने पढ़ा, आप दोनों ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, पहले पढ़ चुके हैं, तो भूतकाल के लिए यहां पर पहले जैसे ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम और पुरुष भी समान रहेंगे, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आइए बच्चों इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अपटत, यहां पर आगे अ आता है, याद रखना है आपको, भूतकाल में आगे अ आता है। अपटत अपटताम अपटन, अपटत अपटताम अपटन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अपठ अपटतम अपटत, अपटम अपटाव अपठाम। अब विधि लिंग लकार देखेंगे बच्चों, जो चौथा धातु रूप है वो विधि लिंग लकार है। विधि लिंग लकार में क्या होता है बच्चों? चाहिए अर्थ में आता है, चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, वह उसे हंसना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। वही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों देखिए कि रूप कैसे चलते हैं, और यहाँ पर भूतकाल में याद रखना है आपको सिर्फ एक ही जगह विसर्ग लगते हैं, जैसे अपटह यहाँ पर ही विसर्ग लगेगा, और उसी प्रकार विधि लिंग लकार पे दो जगह लगते हैं। जैसे आप ये भी सोच सकते हैं, देखो यहाँ पर अंग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अंग लिखा आता है, लेकिन आगे एक विधि शब्द आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा शब्द आ रहा है, तो एक बार और एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर लगा हुआ है एक बार, क्योंकि यहाँ पर लंग लकार है, यहाँ पर भी लंग लिखा हुआ, अगर एक ही मात्रा हटाते हैं तो एक बार तो होगा ही, लेकिन आगे विधि लिखा हुआ तो इसके साथ साथ एक बार और होगा। ऐसे याद रखने के लिए आप बना सकते हैं। तो बच्चों विधि लिंगकार के रूप कैसे चलते हैं? पटेत पटेताम पटेयुहु, पटेत पटेताम पटेयुहु, पटे पटेतम पटेत, पटेयम पटेव पठेम। एक बार उच्चारण कीजिए, पटेत पटेताम पटेयुहु, पटे पटेतम पटेत, पटेयम पटेव पठेम। अब देखो बच्चों पांचवा है यहाँ पर लिट लकार, पट धातु रूप भविष्यत का। पटिष्यति पटिष्यतः पटिष्यन्ति, बोलिए पटिष्यति पटिष्यतः पटिष्यन्ति, पटिष्यसि पटिष्यतः पटिष्यत, पटिष्यामि पटिष्यावः पटिष्यामः। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर भी एल शेप में विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर एल शेप में वापस विसर्ग लगा हुआ है। लिट लकार और लट लकार दोनों में एल शेप में विसर्ग लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बार फिर से बोलना प्रारंभ करते हैं, पटिष्यति पटिष्यतः पटिष्यन्ति, पटिष्यसि पटिष्यतः पटिष्यत, पटिष्यामि पटिष्यावः पटिष्यामः। यह आपकी पुस्तिका में नहीं है तो आपको इसको लिखना है। तो आइए बच्चों इसके बाद जो संख्याएं हैं ये आपकी पुस्तक में दी हुई है, संख्यावाचक शब्द 51 को संस्कृत में क्या कहते हैं, वहां से लेकर के 100 शतम 100 तक की संख्याओं को कैसे कहते हैं और क्या क्या उन्हें कहते हैं, याद रखना है आपको। तो आइए बच्चों 51, 50 के बाद क्या आएगा? 51, और 51 से हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो 51 को क्या कहेंगे? 51 देखो एक है पीछे, 51 जैसे लिखते हैं 5 और 1, तो पीछे वाला जो शब्द होता है, पीछे वाली जो संख्या होते हैं उसे पहले बोलते हैं, तो एक को एक लिख देंगे, लेकिन बाद में क्या है 50 और एक, तो 50 को क्या कहेंगे? पंचाशत, पंचाशत, तो एक पंचाशत। 51 को क्या कहेंगे? एक पंचाशत। दो है अर्थात 52 है, तो द्विपंचाशत या द्वा पंचाशत, एक पंचाशत द्वा पंचाशत त्रयः पंचाशत या त्रि पंचाशत, दोनों में से जो आप लिखोगे वो सही है, लेकिन आप कोई सा भी एक याद कर सकते हैं। त्रयः पंचाशत, 54 को क्या कहेंगे? चतुर पंचाशत, 55 को
पंच पंचाशत इसे आप बना सकते हैं, 56 को, अब 56 में 6 है तो 60 लगाओगे पहले, फिर पंचाशत लगाओगे तो वैसे 60, 56 को क्या कहेंगे, 60 पंचाशत, 57 को क्या कहेंगे, सप्त पंचाशत, 58 को अष्ट पंचाशत या अष्टा पंचाशत, और नव पंचाशत भी कह सकते हैं, और कम है, कितना कम है, 60 से 159, तो एक कम है तो एक उन, उनका अर्थ होता है कम, एक कम तो एकोन, कितना 60 से क्या कहेंगे, षष्टी, एकोन षष्टी अर्थात 59, या नव पंचाशत, 9 और 50 59, 60 को क्या कहेंगे, षष्टी, फिर वापस वैसे ही एक षष्टी, 61 को क्या कहेंगे, एक षष्टी, द्विषष्टी या द्वाषष्टी, 63 को त्रयषष्टी या त्रिषष्टी, 64 को चतुषष्टी, 65 को पंचषष्टी, 66 को षट्षष्टी, 67 को सप्तषष्टी, 68 को अष्टाषष्टी या अष्टषष्टी, याद रखना है, या तो क्या कहेंगे, नवषष्टी, नवषष्टी और एकोन सप्तति, क्या कहेंगे, 69, 69, उन कहते हैं ना 69, सप्तति को 70 कहते हैं, 69, नवषष्टी या एकोन सप्तति ही, फिर है सप्तति, सप्तति किसे कहते हैं, 70 को, तो 70 को क्या कहेंगे, सप्तति ही, फिर वापस वैसे ही प्रारंभ करेंगे, एक सप्तति, द्वा सप्तति या द्विसप्तति, त्रिसप्तति और चतुर सप्तति ही, आगे अब पिछेत्र को क्या कहेंगे, देखो पंच सप्तति ही, षट सप्तति ही और सप्त सप्तति ही, सतंत्र को क्या कहेंगे, सप्त सप्तति ही और अठंतर को अष्टा सप्तति या अष्ट सप्तति, उन्यासी, उन्यासी को क्या कहेंगे, एकोन अशीति या नव सप्तति, उन्यासी को क्या कहेंगे, नव सप्तति और वापस अस्सी को अशीति, अस्सी को क्या कहेंगे, अशीति, फिर वापस वैसे ही आगे प्रारंभ हो जाएगा, एका अशीति, देखो एक क, क में भी अ आया हुआ है और अशीति में भी अ आया हुआ है तो अ प्लस आ संधि करेंगे तो आ हो जाएगा, दीर्घ संधि होगी तो यहां हो जाएगा, एकाशीति, द्विशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, 85 को क्या कहेंगे, पंचाशीति और 86 को षडशीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 88 को क्या कहेंगे, अष्टाशीति, अष्ट अशीति बराबर अष्टाशीति, अष्टाशीति हो गया ना, फिर नेवासी को क्या कहेंगे, नव अशीति या नवाशीति या एकोन नवति, फिर है नब्बे, नब्बे को क्या कहेंगे, नवति, क्या कहेंगे नब्बे को, नवति, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, 60 को क्या कहते हैं, षष्टी, 70 को क्या कहेंगे, सप्तति, 80 को क्या कहेंगे, अशीति, 90 को क्या कहेंगे, नवति और सतम को क्या कहेंगे, 100 को क्या कहेंगे, सतम, तो उसी प्रकार फिर आप एक द्वय द्वि त्रय चतुः पंच षट ऐसे लगा करके रूप याद कर सकते हैं, आराम से शब्द याद हो जाएंगे आपको, तो 90 को क्या कहेंगे, नवति, फिर 91 को एक नवति, 92 को द्विनवति, 93 को त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति और 96 को सणवति और 97 को सप्तनवति, 98 को अष्टानवति और 99 को क्या कहेंगे, नवनवति भी कह सकते हैं या एकोन शतम भी कह सकते हैं, एकोन क्यों कहेंगे, एक उन, एक कम है, कितने में, 100 में, तो 99 हो गए, 99 एकोन शतम या नवनवति और 100 को आप जानते हैं सप्तति कहेंगे, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी उच्चारण कर लेते हैं इसका, एक पंचाशत, द्वि पंचाशत, त्रि पंचाशत, चतुर पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, एकोन षष्टी या नव पंचाशत और षष्टी, साथ के साथ बोलिए याद हो जाएगा आपको, एक षष्टी, द्वि षष्टी, त्रि षष्टी, चतुष्षष्टी, पंच षष्टी, षट षष्टी, सप्त षष्टी, अष्ट षष्टी, एकोन सप्तति या नवषष्टी, फिर यहाँ आ जाएगा 70 सप्तति ही, एक सप्तति ही, द्वि सप्तति ही, त्रि सप्तति ही और चतुर सप्तति ही, और पिछेत्र को क्या कहेंगे, पंच सप्तति ही, षट सप्तति ही, सप्त सप्तति ही,
अष्टासप्तति ही या अष्ट सप्तति ही, नव सप्तति ही या एकोन अशीति, अस्सी को क्या कहेंगे अशीति, तो यहाँ पर अस्सी को अशीति। फिर वापस वैसे ही एकाशीति, द्वेशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, एकोन नवति या नवाशीति, फिर नब्बे को नवति, एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, एकोन शतम और शतम। जितनी बार आप दोहरान करेंगे आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये पाठ आपको बहुत ही सरल भाषा में याद हो गया होगा। धन्यवाद।